देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्प बुद्ध तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। संगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजो। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लख ही सुलच्छन लो। सम प्रकाश तम पाख दुहू, नाम भेद विधि की। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सब के पद कमल, सदा जोरी जुग पान। प्रेत पितर गंधर, बंदौ किन्नर रजनीचर। कृपा करहु
अब सर आकर चारी लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी सिय राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करूं सब पाही करन चाहूं रघुपति गुन गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझना एक अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चहिया अमिया जग चुराई न छाछी छमि हही सज्जन मोरी ढिठाई सुनी हही बाल बचन मन लाई चौपालक कह तो तरी है बाता सुनही मुदित मन पितु अरु माता हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी निज कवित कही लाग ननी का सरस हो अथवा अतिथि का जे पर भनिति सुनत हर शाही ते पर पुरुष बहुत जग नाही जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई